नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 12 एक चरांक वाले समीकरण का प्रश्न संग्रह 12.1 करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 12.1। ये पाठ 12 एक चरांक वाले समीकरण 12.1 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया गया है, 1 में क्या दिया गया, x प्लस 4 बराबर 9। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या दिया गया, प्लस 4 है ना। जब प्लस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 4 घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, यहाँ पे देखो एक 4 से दूसरा 4 कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस वाला कट जाता, तो यहाँ पे बचा x और 9 में से 4 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। आप लोग अपने बुक में इस तरीके से भर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया, देखो x के साथ में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। हम लोगों ने 7वीं में इस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे देखो जब माइनस हो रहा है तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 2 कर देंगे, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस 2 हो जाएगा। एक माइनस एक प्लस कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना x और ये हो गया 7 और 2 9। उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो x के साथ में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो दोनों पक्षों में क्या करोगे, 3 से भाग हो रहा है ना, तो 3 से गुणा कर दोगे। यहाँ पे भी 3 से गुणा किया, ये वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा x और ये हो जाएगा 4 3 12। अब यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 4 में क्या हो रहा है, 4x दिया गया, मतलब x के साथ में 4 का गुणा हो रहा है। जब गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे भी भाग दोगे तो ये जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 24। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, जैसा कि हम लोगों ने सीखा था 7वीं में, जब जोड़ रहेगा x के साथ में तो हम उसको घटाना करते हैं दोनों पक्षों में, जब घटाना रहेगा तो क्या करोगे, जोड़ करोगे, जब गुणा रहेगा तो क्या करोगे, भाग करोगे, और जब भाग रहेगा तो क्या करोगे, गुणा करोगे। इसी तरीके से करना रहता है। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 12.1। ये है प्रश्न संग्रह 12.1, उसमें से पहला प्रश्न क्या दिया गया, प्रत्येक समीकरण के बाद चर के लिए दिया गया मान उस समीकरण का हल है क्या, निश्चित कीजिए। मतलब यहाँ पे चर के लिए मान दिया गया है। देखो ये क्या है, ये है चर। चर का मतलब क्या हो गया, x y z m n a b c d जो भी कुछ लिखा रहेगा वो चर होता है। तो चर का मान दिया गया है, x बराबर माइनस एक, x बराबर 7 और x बराबर माइनस 7। ऐसा 3 मान हमको दिया गया है। हमको बताना है क्या ये जो है ये समीकरण का हल है। यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखोगे समीकरण, लिख लो x माइनस 4 बराबर 3। यहाँ पे लिखोगे x बराबर माइनस 1 रखने पर, जब देखो x बराबर माइनस 1 रखोगे फिर से समीकरण लिखो x माइनस 4 बराबर 3। देखो ये समीकरण हमने फिर से रखा, अब इसमें मान रख दो, x के जगह पे क्या रखना है, माइनस 1 रखना है ना, x के जगह पे क्या रखा, माइनस 1, और बाकी सब सेम लिखोगे। तो यहाँ पे ध्यान दोगे माइनस 1 और माइनस 4 कितना होता है, माइनस 5 होता है, बराबर 3 हो जाएगा। अब ये देखो माइनस 5 और 3 बराबर है क्या, बराबर नहीं है ना। यहाँ पे देखोगे दोनों का मान क्या बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगा दोगे कि ये दोनों का मान बराबर नहीं है, और यहाँ पे लिखोगे x बराबर माइनस 1 हल नहीं है। पहला वाला क्या आया है, हल नहीं है। अभी हमने क्या निकाला है, x बराबर माइनस 1 ना, अब क्या रखना है, x बराबर 7 रखना है, ये वाला रखना है। हम लोग फिर से समीकरण लिखते हैं, x माइनस 4 बराबर 3, ये तो है, तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर 7 रखने पर। अब फिर से समीकरण लिखो x माइनस 4 बराबर 3, अब क्या करोगे, x के जगह पे क्या रखना है, 7 रखना है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3, ये हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 बराबर 3। अब मुझे बताओ 3 बराबर 3 होता है क्या, होता है। यहाँ पे लिखोगे x बराबर 7 हल है। अब क्या रखना है, देखो x बराबर माइनस 1 रखा, x बराबर 7 रखा, अब क्या रखना है, x बराबर माइनस 7 रखना है, ये वाला रखना है। यहाँ पे फिर से समीकरण लिखो x माइनस 4 बराबर 3, यहाँ पे लिखोगे x बराबर माइनस 7 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण लिखो x माइनस 4 बराबर 3, तो ये हो जाएगा x के जगह पे क्या रखना है, माइनस 7,
और बाकी सब सेम, -4 = 3, तो ये हो जाएगा -7 - 4 - 11 = 3। अब ये दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है, इसलिए x = -7 हल नहीं है, हल नहीं है। कहने का क्या मतलब है? जब दोनों पक्ष का बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों बराबर आ जाएगा, तब वो हल है, नहीं तो हल नहीं है। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया? 9m = 81, तो m = 3 रखना है, m = 9 रखना है, m = -3 रखना है। तो एक एक करके करते हैं, 9m = 81, तो पहले क्या रखना है? m = 3 रखने पर ये इस तरीके से बनेगा। तो फिर से समीकरण लिखो, 9m = 81, इसलिए 9 में देखो m का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो m के मान का क्या हो जाएगा? 3 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 81, ये हो जाएगा 9 * 27 = 81। अब मुझे बताओ ये दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है, तो ये लिखोगे m = 3 हल है या नहीं है? हल नहीं है, हल नहीं है, इस तरीके से करना है। अब क्या रखना है? m = 9 रखना है, फिर से लिखो 9m = 81, m = 9 रखने पर, तो फिर से समीकरण लिखो 9m = 81, इसलिए हो जाएगा 9 * 9, m से गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये 81, तो ये हो जाएगा 9 * 9 = 81। देखो ये दोनों बराबर आ रहा है ना, इसलिए ये हल है, m = 9 हल है। अब क्या रखना है? m = -3 रखना है, यहाँ पे लिखोगे 9m = 81, m = -3 रखने पर, जब यहाँ पे 9m = 81 समीकरण दिया गया है, ये जगह 9 * -3 m से गुणा हो रहा है, तो ये -3 = 81, तो ये जगह 9 * 3 - 27 = 81। अब देखो ये दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है, तो ये बराबर का नहीं का चिन्ह इस तरीके से होता है, तो m = -3 हल नहीं है, हल नहीं है, इसी तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया है समीकरण? 2a + 4 = 0, और a का मान रखना है 2, a का मान रखना है -2, a का मान रखना है 1। सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, 2a + 4 = 0, a बराबर क्या रखना है? पहले 2 रखने पर, यहाँ पे लिख लो a = 2 रखने पर, हो जाएगा 2a + 4 = 0। अब a के जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है ना, तो ये 2 तो ये वाला हो गया गुणे, a के जगह पे 2 + 4 = 0, ये हो जाएगा 2 * 4 + 4 = 0, 4 + 4 कितना होता है? 8 = 0। अब देखो 8 = 0 होता है क्या? बायां पक्ष दायां पक्ष सेम नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखोगे a = 2 हल नहीं है। अब क्या रखना है? a = -2 रखना है, फिर से लिखो 2a + 4 = 0, ये समीकरण हो गया, a = -2 रखने पर, तो ये हो जाएगा 2a + 4 = 0। अब क्या करो? देखो 2 में a का गुणा हो रहा है ना, तो 2 * a का मान कितना है? -2 + 4 = 0, 2 में -2 का गुणा करोगे तो क्या जाएगा? -4 + 4 = 0। अब ये देखोगे -4 + 4 कितना होता है? 0 = 0, ये देखो दोनों सेम आया है, तो ये जगह a = -2 हल है, हल है। अब क्या रखना है? a = 1 रखना है, तो इसको भी रखो 2a + 4 = 0, a = 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा 2a + 4 = 0, तो ये जगह 2 में a का गुणा हो रहा है, तो 2 * a के जगह पे 1 + 4 = 0, ये हो जाएगा 2 * 1 = 2
प्लस 4 बराबर 0, 2 और 4 6 बराबर 0। देखो दोनों बराबर है क्या? नहीं है, इसलिए a बराबर 1 हल नहीं है, नहीं है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है? 3 माइनस वाई बराबर 4, और y का मान पहले रखना है माइनस 1, फिर रखना है 1, फिर रखना है 2। यहाँ पे लिखोगे y बराबर माइनस 1 रखने पर, तो समीकरण लिख लो 3 माइनस वाई बराबर 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस y का मान कितना है? माइनस 1 है। देखो ये वाला माइनस इधर आया, y का मान माइनस 1 है बराबर 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 4, ये हो जाएगा 3 1 4 बराबर 4। दोनों बराबर है क्या? बराबर है, ये हो जाएगा y बराबर माइनस 1 हल है, हल है। अब क्या रखना है? 1 रखना है ना, तो लिख लो सवाल 3 माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पे लिखोगे y बराबर 1 रखने पर, अब फिर से समीकरण लिखो 3 माइनस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा 3 माइनस y के जगह पे 1 बराबर 4, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 बराबर 4। 2 बराबर 4 होता है क्या? नहीं है, इसलिए क्या लिखोगे? y बराबर 1 हल नहीं है। अब क्या रखना है? 2 रखना है, तो यहाँ पे लिखो 3 माइनस वाई बराबर 4, y बराबर 2 रखने पर, ये हो जाएगा समीकरण लिखो 3 माइनस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा 3 माइनस वाई के जगह पे 2 बराबर 4, 3 में से 2 गया 1 बराबर 4। अब बताओ 1 बराबर 4 होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए y बराबर 2 हल नहीं है, हल नहीं है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए, मतलब यहाँ पे समीकरण दिया गया है, हम लोगों को हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या दिया गया है। 17p माइनस 2 बराबर 49। अब यहाँ पे देखोगे ये माइनस 2 हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि माइनस रहेगा तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में, माइनस 2 है ना, तो 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, तो सबसे पहले क्या लिखो? दोनों पक्ष लिख दो। दोनों पक्ष क्या है? 17p माइनस 2, थोड़ा सा जगह दे करके यहाँ पे लिख दो 49। अब यहाँ पे 2 जोड़ना है ना, तो इसको प्लस 2 कर दो, यहाँ पे भी प्लस 2 कर दो। तो देखो कि 1 प्लस 1 माइनस कट जाता है, यहाँ पे क्या बचा? 17p बराबर 49 और 2 51। अब यहाँ पे ध्यान दोगे पी से 17 में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो फिर से लिखोगे दोनों पक्षों में, 17 से गुणा हो रहा है ना, तो 17 से भाग देने पर, भाग देने पर, हमको पता है कि गुणा होता है तो भाग होता है, जोड़ होता है तो घटाना होता है, तो 17p बराबर 51 सेम लिख दिया, जो यहाँ पे था सेम लिखा। अब यहाँ पे 17 से भाग दे दो, 17 से भाग दिया। जब भाग दोगे तो ये 17 से ये 17 कट जाएगा, ये आएगा 17 3 51, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? पी बराबर 3, ये आएगा हमारा उत्तर, पी बराबर 3। कहने का क्या मतलब है? माइनस रहेगा तो प्लस करना है, प्लस रहेगा तो माइनस करना है, गुणा रहेगा तो भाग करना है, और भाग रहेगा तो गुणा करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? 2m + 7 = 9। पहले लिख लो 2m + 7 = 9। अब यहाँ पे देखोगे, चेक करोगे, देखोगे ये प्लस 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस 7 का क्या होता है? माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर, घटाएंगे ना, 7 घटाने पर, तो पहले दोनों पक्ष लिख दो, 2m + 7 = 9। दोनों पक्षों में से क्या करोगे? 7
घटा दिया, यहां से भी सात घटा दिया, एक प्लस एक माइनस कट जाता है, तो आया क्या हमारे पास दो यम बराबर नौ में से सात गया, ये आ जाएगा दो। अब यहाँ पे देखोगे यम से दो में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणा का क्या होता है भाग होता है, यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में दो से भाग देने पर, यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करोगे दोनों पक्ष पहले लिख लो, दो यम बराबर दो है, इसमें दो से भाग दे दो, देखो ये दो से ये दो कट गया और ये दो एक कम दो आ गया, तो हमारा उत्तर कितना आएगा यम बराबर एक, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों दिया गया ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तीसरे प्रश्न को लिखते हैं, तीन एक्स प्लस बारह बराबर दो एक्स माइनस चार। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं एक एक को करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया प्लस बारह दिया गया, प्लस बारह का क्या होगा बारह घटाएंगे माइनस होगा, प्लस का माइनस होता है, यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में से बारह घटाने पर, तो सबसे पहले दोनों पक्ष लिख दो, तीन एक्स प्लस बारह बराबर दो एक्स माइनस चार। अब क्या करो दोनों पक्षों में से बारह घटा दो, इसमें से भी बारह घटाया, यहां से भी बारह घटाया, तो एक प्लस एक माइनस कट जाता है, तो बचेगा क्या हमारे पास तीन एक्स बराबर ये आ गया दो एक्स। अब यहाँ पे देखोगे माइनस चार है माइनस बारह है, ये हो जाएगा माइनस सोलह हो जाएगा, इसके आगे क्या चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस रहेगा तो माइनस होता है, यहाँ पे फिर से लिखोगे दोनों पक्षों में से दो एक्स घटाने पर, दो एक्स घटाने पर, तो यहाँ पे लिखोगे तीन एक्स बराबर दो एक्स माइनस सोलह। अब क्या बोला गया दोनों पक्षों में दो एक्स घटाने पे, यहाँ पे भी दो एक्स घटाओगे, यहाँ पे भी दो एक्स घटाओगे। अब मुझे बताओ देखो तीन एक्स में से दो एक्स गया, एक एक्स बराबर, अब यहाँ पे देखो दो एक्स प्लस में है और एक ये माइनस में है, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सोलह, ये आएगा इसका उत्तर। तो इसमें कैसा करना है देखो, सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि ये प्लस बारह दिया गया है, जब प्लस बारह दिया गया है तो दोनों पक्षों में से बारह घटाने पे एक बारह बारह कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस कट जाता है, तो बचा क्या तीन एक्स, और यहाँ पे दो एक्स माइनस चार और माइनस बारह माइनस सोलह था। कभी भी याद रखना अंक अंक वाला एक साथ में होता है और एक्स एक्स वाला या चर चर वाला एक साथ में हम लिखते हैं। यहाँ पे देखो क्या आ गया तीन एक्स बराबर दो एक्स माइनस सोलह आ गया। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स वाला है, तीन एक्स है, यहाँ पे दो एक्स है, यहाँ पे दोनों का चर समान है, ये प्लस दो एक्स है, इसीलिए दोनों पक्षों में दो एक्स घटाने पर इस तरीके से आ जाएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया है, पांच एक्स माइनस तीन बराबर तीन एक्स प्लस दो, इस तरीके से दिया गया, तो हम लोग पहले इसका गुणा कर लेते हैं। देखो पांच का गुणा एक्स में होगा और पांच का गुणा तीन में होगा, तो ये जाएगा पांच एक्स माइनस पांच तीन पंद्रह बराबर, इसका भी ऐसे करो तीन का एक्स में गुणा करो, तीन का दो में गुणा करो, तो तीन में एक्स का गुणा है तीन एक्स प्लस तीन दुनी छ। अब देखो जैसा इसके पहले हमने सवाल किया था वैसे सवाल यहाँ पे भी आ गया है, तो अब हम लोग इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देखोगे माइनस पंद्रह है, माइनस पंद्रह का क्या होता है प्लस पंद्रह होगा, मतलब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में पंद्रह जोड़ने पर, तो सबसे पहले दोनों पक्ष लिख लेते हैं, पांच एक्स माइनस पंद्रह बराबर तीन एक्स प्लस छ। अब यहाँ पे देखो प्लस पंद्रह और यहाँ पे भी प्लस पंद्रह, एक प्लस एक माइनस कट गया, तो बचा क्या पांच एक्स बराबर तीन एक्स प्लस पंद्रह और छ कितना होता है इक्कीस। अब यहाँ पे देखोगे तीन एक्स क्या है प्लस है, जब तीन एक्स प्लस है तो घटाओगे, दोनों पक्षों में से
तीन अक्ष घटाने पर, सबसे पहले दोनों पक्ष लिख लो, पांच अक्ष बराबर तीन अक्ष प्लस 21, दोनों पक्ष में से तीन एक्स घटा दो, तीन एक्स यहाँ पे भी माइनस किया और यहाँ पे भी माइनस किया, तो देखोगे एक प्लस एक माइनस कट जाता है, तो ये क्या आएगा, पांच में से तीन गया कितना जाएगा, दो एक्स बराबर 21। अब यहाँ पे करो देखो, दो एक्स बराबर 21 ये तो आया है, अब यहाँ पे देखोगे एक्स से क्या हो रहा है, दो से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में गुणा को उल्टा क्या होता है, दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर हो जाएगा दो एक्स बराबर 21 बटे दो हो जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा, ये दो से ये दो कट गया, ये तो नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा एक्स बराबर 21 बटे दो, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, पांचवे प्रश्न में क्या दिया है, देखो 9x बटे 8 प्लस 1 बराबर 10 इस तरीके से दिया गया है, तो इसको देख करके घबराना नहीं है, देखो यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, माइनस करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, प्लस एक है ना, तो एक घटाने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x बटे 8 प्लस 1 बराबर 10 दिया गया, तो जब दोनों पक्षों में से एक घटाओगे तो ये इससे कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस कट जाता है, तो बचेगा क्या हमारे पास, 9x बटे 8 बराबर ये आ गया 10 में से एक गया 9। अब यहाँ पे देखोगे बटे 8 हो रहा है, मतलब भाग हो रहा है, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है, यहाँ पे फिर से लिखो दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, क्या करोगे, गुणा करने पर, भाग दिया गया है ना, तो गुणा करेंगे, तो पहले दोनों पक्ष लिख लो 9x बटे 8 बराबर 9, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें क्या करना है, 8 से गुणा करना है, जब 8 से गुणा करोगे तो देखोगे ये वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 9x बराबर ये 9 8 72 इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे लिखोगे 9x बराबर 72, अब यहाँ पे देखोगे x से 9 में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, जब गुणा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो फिर से समीकरण लिखो 9x बराबर 72 तो दिया गया है, दोनों में 9 से भाग दे दो, जब 9 से भाग दोगे तो ये वाला इससे कट जाएगा और ये कटेगा 9 8 72, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे 8 आया है, x बराबर 8, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, छठवे प्रश्न में भी इस तरीके से भले दिया गया लेकिन घबराना नहीं है, देखो y बटे 7 प्लस y माइनस 4 बटे 3 बराबर 2 दिया गया, अब यहाँ पे देखोगे ये 7 से भाग हो रहा है, ये 3 से भाग हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 7 3 21, तो यहाँ पे भाग हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 21 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, देखो हमने 21 से क्यों गुणा किया, देखो 7 और 3 दोनों का भाग जा रहा है ना, तो दोनों को अलग अलग करने से अच्छा दोनों को साथ में कर देते हैं, दोनों का लसाई भी निकाल दिया, 7 3 21 और 21 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, हो जाएगा y बटे 7 प्लस y माइनस 4 बटे 3 बराबर 2 इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्या करो, 21 से गुणा करो, इसमें भी 21 से गुणा करो और इसमें भी 21 से गुणा कर दो, जब 21 से गुणा करोगे तो ये कट जाएगा 7 3 21 और ये कटा 3 7 21 और तो कुछ नहीं कट रहा है ना। अब यहाँ पे देखो क्या क्या आएगा, 3 में y का गुणा किया तो कितना जाएगा 3y प्लस, अब यहाँ पे y माइनस 4 में
सात का गुणा करना है बराबर 21 दुना ये आ गया 42। अब ये क्या हो जाएगा देखो 3y प्लस सात में पहले y का गुणा करो और वही सात का चार में गुणा करो तो सात में y का गुणा किया तो कितना जाएगा 7y माइनस 7 6 28 बराबर 42। अब यहाँ पे देखो y y वाला सेम मिल रहा है ना तो 3y और 7y ये हो जाएगा 10y माइनस 28 बराबर 42। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है माइनस 28 हो रहा है यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 28 जोड़ने पर तो यहाँ पे समीकरण पहले लिख लो 10y माइनस 28 बराबर 42 दिया गया है। कितना जोड़ना है दोनों में 28 जोड़ना है इसमें भी 28 जोड़ दो। अब 28 एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 10y बराबर 42 और 28 ये कितना हो जाएगा 70। अब यहाँ पे देखोगे 10y बराबर 70 मतलब y में 10 का गुणा हो रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे गुणा का उल्टा क्या करते हैं भाग करते हैं दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर तो हो जाएगा 10y बराबर 70 तो है इसमें भी 10 से भाग दिया इसमें भी 10 से भाग दिया ये कट गया और ये आ गया 10 7 70 तो हो जाएगा y बराबर 7 ये आएगा y बराबर 7। अब हम अगला करते हैं सातवें में क्या दिया गया है 13x माइनस 5 बराबर 3/2। सबसे पहले हम लोग यही लिखते हैं 13x माइनस 5 बराबर 3/2। अब यहाँ पे देखोगे ये बटे दो है मतलब भाग दिया रहे तो भाग का उल्टा क्या होता है गुणा होता है यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो दोनों पक्ष पहले लिख लो 13x माइनस 5 बराबर 3/2 इसमें भी 2 से गुणा किया इसमें भी 2 से गुणा किया और इसमें भी 2 से गुणा किया ये वाला कट जाएगा ये हमारे पास कितना आया 13 दुनी 26x माइनस 5 दुनी 10 बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो कि माइनस 10 हो रहा है माइनस 10 का क्या होता है प्लस 10 होगा जोड़ोगे तो दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर तो दोनों पक्ष पहले लिख लो क्या है 26x माइनस 10 बराबर 3। अब इसमें भी 10 जोड़ना है और इसमें भी 10 जोड़ना है ये इससे कट गया तो आया क्या हमारे पास 26x बराबर 10 3 13। अब यहाँ पे देखोगे 26 से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है तो गुणा का उल्टा क्या होता है भाग होता है तो दोनों पक्षों में 26 से भाग देने पर गुणा हो रहा है तो भाग ही दोगे भाग देने पर तो समीकरण लिखो 26x बराबर 13 26 से भाग दे दो 26 से भाग दोगे देखो देखो ये 26 से 26 कट गया ये तो ऐसे नहीं कट रहा ना देखो 13 कम 13 13 दुनी 26 तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। बस इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं आठवें प्रश्न में क्या दिया गया है 3y प्लस 8 बराबर 10y माइनस 4 प्लस 8 इस तरीके से दिया गया। तो सबसे पहले इसको सवाल बनाते हैं ये देखो 3 में y का गुणा होगा फिर से 3 में 8 का गुणा होगा फिर 10 में y का गुणा होगा 10 में 4 से गुणा होगा मतलब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे ये जगह 3y प्लस 3 में 8 का गुणा होगा तो 24 बराबर ये जगह 10 में y का गुणा किया तो 10y माइनस 10 6 40 प्लस 8 इस तरीके से आएगा। इसको एक बार और हल करते 3y प्लस 24 बराबर 10y। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 40 प्लस 8 कितना होता है माइनस
32 होगा। सबसे पहले देखोगे यहाँ पे प्लस 24 है, प्लस 24 से तो क्या हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में से 24 घटाने पर, तो पहले दोनों पक्ष लिख लो 3y+24 बराबर 10y-32। अब इसमें से भी 24 घटाना है और इसमें से भी 24 घटाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+1- कैंसल हो जाएगा, तो ये क्या आया 3y=10y। अब यहाँ पे देखोगे -32 -24 कितना होगा -56 हो जाएगा। देखो 4 2 6 माइनस माइनस प्लस होता है ना, 4 2 6 और 3 2 5 -56 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे इसके आगे क्या दिया गया है, प्लस का चिन्ह है ना, +10y है। जब +10y हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाओगे यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में से 10y घटाने पर। तो सबसे पहले दोनों पक्ष लिख लो 3y=10y-56। अब इसमें से भी 10y घटाना है और यहाँ पे 10y घटाना है, तो 1+10y 1-10y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जगह 3y-10y कितना होता है, 3 में से 10 गया तो -7y बराबर यहाँ पे आया -56। अब इसको ऐसे लिख लो -7y=-56। अब यहाँ पे देखोगे y से -7 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में -7 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा -7y=-56। इसमें भी -7 का भाग देना है, इसमें भी -7 का भाग देना है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा वाई बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 7 8 56, यहाँ पे आ गया 8। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, 90 में क्या दिया गया है, x-9/x-5=5/7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, मतलब 7 का गुणा करेंगे x-9 से बराबर 5 का गुणा करेंगे x-5 से। इस तरीके से करेंगे, देखो 7 का गुणा किया इससे और 5 का गुणा किया इससे, ये हो जाएगा 7 का x में गुणा करना है और 7 का 9 में गुणा करना है, फिर 5 का x में करना है, 5 का 5 में करना है, 7 में x का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 7x-7 9 63 = 5x, 5 में x का गुणा किया 5x माइनस ये आ गया 25। अब क्या करो, देखो यहाँ पे +5x है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा, तो 7x-63 - 5x और यहाँ पे बचा क्या -25। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ एक को उठाया है, यहाँ पे देखोगे +5x है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा, 7x में से 5x गया तो कितना हो जाएगा 2x-63 = -25। इस तरीके से आएगा, तो 7x में से 5x गया 2x-63 और -25। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये -63 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +63 हो जाएगा, 2x-25+63 हो जाएगा ना, देखो बराबर के इस साइड गया तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर। अब 1+1- है तो घटाएंगे, यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 5 5 में से 2 गया 3, मतलब 63 में से 25 घटाने पे 38 आता है। अब यहाँ पे देखोगे 2 से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 38/2। अब इसको 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, तो ये हो गया x=19। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, अब यहाँ पे देखोगे बटे में 3 दिया गया है ना, 10वें में y-4/3+3y=4। यहाँ पे देखो बटे में 3 दिया गया ना, तो इसको ऐसे हल करो,
दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, पहले दोनों पक्ष लिख लो, y माइनस 4/3 प्लस 3y बराबर 4। इसमें भी 3 से गुणा किया, इसमें भी 3 से गुणा किया और इसमें भी 3 से गुणा किया, तो ये 3 से ये 3 कट गया। तो आया क्या हमारे पास, देखो y माइनस 4 प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 4 तीन 12, इस तरीके से आएगा। अभी आप देखोगे y और यहाँ पे भी y है, तो y y वाला एक साथ में हो जाएगा, तो y प्लस 9y मतलब हो गया 10y माइनस 4 बराबर 12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस 4 हो रहा है, जब यहाँ पे माइनस 4 होगा इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। देखो बराबर 12 तो था, यहाँ पे माइनस 4 इस साइड जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y बराबर 12 4 16। इसलिए अब देखोगे 10 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 16/10। अब ये कट रहा है क्या, देखो यहाँ पे कटेगा क्या, 2 के पहाड़े से कट कर दो, 2 8 16, 2 5 10, इसका मतलब y बराबर आ गया 8/5। इसी तरीके से इसको हल करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे बटे में 4 दिया गया है, अब देखो जब ये बटे में 4 दिया गया तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो दिया गया वही लिखो, b+b+1+b+2 और यहाँ पे हो जाएगा 21, और ये देखो कि बटे में 4 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, b+b+1+b+2 बराबर 21 6 84, इस तरीके से आएगा। अब जितना भी बी बी वाला है उसको एक साथ में लिख लो, 1 2 3, यहाँ पे हो गया 3b+। अभी देखो 1 और 2 कितना होगा, 3 बराबर 84। अब यहाँ पे देखो कि ये प्लस 3 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 3b बराबर बराबर के इस साइड था ना, तो अब इस साइड जाएगा 84 तो वैसे ही आ जाएगा, ये जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा 3b बराबर 84 में से 3 गया 81। अब यहाँ पे देखोगे 3 से b में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 81/3, ये आ गया 27 3 81। तो हमारे पास b का मान कितना आ गया, 27। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 12.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 12.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।